हेलो फ्रेंड्स, जो हमने अपनी ड्रेस बनाई थी, इस ड्रेस में जो हमने साइड में फ्लावर लगाए थे, आज हम इस तरह के फ्लावर बनाना सीखेंगे। ये इस तरह के ये फ्लावर मैंने घर पे बनाए। मैंने सेंटर में इनमें स्टोन की जगह पे पर्ल काम में लिया है। अगर आपके पास स्टोन हो तो आप स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें मैंने नेट ली है, इस तरह की डोरी काम में लेती हूँ। ये मैंने पिंक कलर का टिश्यू क्लॉथ लिया है और ये नेट ली है। तो चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आज हम इस तरह के फ्लावर बनाएंगे। ये फ्लावर बनाने के लिए मैंने इस तरह का पिंक कलर का एक टिश्यू का क्लॉथ लिया है और दूसरा इस तरह की डोरी की ज़रूरत पड़ती है। इसकी जगह आप कोई सिंपल डोरी भी लगा सकते हैं, ये रेशम की डोरी है। मैंने इस टिश्यू क्लॉथ के मैंने 2 बाई 2 इंच के स्क्वायर काट लिए। दो इंच इधर से लिया है मैंने इसे और 2 इंच इधर से लिया है। इसके मैंने 2 बाई 2 इंच के काट लिए। तो आप इसके चाहें तो थोड़ा छोटा बनाना चाहें, इसे बड़ा बनाना चाहें तो आप इसे थोड़ा बड़ा भी काट सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। मैं इसे चारों तरफ से सिक्योर भी कर लेती हूँ। टिश्यू क्लॉथ में धागे निकलते रहते हैं तो इसे मैं इस तरह से सिक्योर भी कर लेती हूँ। अब हम ये रेशम की डोरी लेते हैं, इसके इस कोने पे इसे लगाते हैं इस तरह से और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, बिल्कुल हाफ फोल्ड। इस तरह से एक ये ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ से हमने इसमें डोरी डाली थी वहाँ से हम इसे सुई धागे से सिलाई कर लेते हैं। मैंने इसमें सुई धागे में यहाँ से मैं पहले इसको जो हमने डोरी लगाई है इसको अच्छे से यहाँ पर नोट लगा लेते हैं। इस तरह नोट लगाने के बाद में जो मैंने तिकोना सा जाता है छोटी छोटी इस तरह से प्लेट से इस तरह से छोटे छोटे सुई में इस तरह से कपड़े को इस तरह भर लेते हैं, छोटे छोटे जैसे छोटी छोटी प्लेटें डालते हैं इस तरह से। इस तरह हम दूसरी तरफ भी ले लेते हैं। हम इसको इस डोरी को इसमें इस तरह ऊपर कर लेते हैं बराबर। इधर की तरफ भी हम कर लेते हैं इसे छोटी छोटी टेप्स करके इसे ऊपर तक सिलाई तक ले आती हूँ। जहाँ पे हमने अपने डोरी का एंड है वहाँ पे हम इसे अच्छे से गांठ लगा लेते हैं इस तरह से वापस से। सॉरी, गांठ लगाने से पहले हमें इसे खींचना रहता है। यहाँ पे आने के बाद हम इसे धीरे धीरे हम खींच लेंगे। ये हमारी एक पत्ती बन जाती है। तो हमारी एक पत्ती बन जाती है तो इसको हम पूरी तरह से एक बार इस तरह से इसमें इस तरह इसको बांध देते हैं। हमारी एक पत्ती बन के तैयार हो गई है। इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं एक्स्ट्रा पीस को। अब हम अपनी दूसरी पत्ती बनाते हैं इसी तरह से जैसे हमने पहली पत्ती बनाई थी। वही अपनी डोरी को इसके इस तरह कोने पे लगाते हैं। और अपनी नोट लगा लेते हैं। चाहे तो हम अलग अलग कर लेते हैं या फिर इसी के साथ कर लेते हैं। तो मैं आपको इसी के साथ बता रही हूँ, आप अलग अलग पत्तियाँ करके अलग अलग भी जोड़ सकते हैं।
वापस से हम अपने जिस तरह से हमने पहली पहली वाली पत्ती में किया था, हम इस वाली में भी कर लेते हैं। इसको हम इस तरह ऊपर अच्छे से कर लेते हैं। हम वापस से डोर को खींच लेते हैं अपने को। तभी हमारी दूसरी पत्ती बन गई। इसे हम अपनी पांचों पत्तियां बना लें, तीन पत्तियां और बना लेते हैं। इस तरह हमने पांचों पत्ती बना ली है। अब इन पांचों पत्तियों को हम एक साथ अरेंज कर देते हैं। इस तरह हमें पांचों पत्तियाँ अरेंज हो गई। पीछे की तरफ से हम सभी को थोड़ा थोड़ा सिल देते हैं, जिससे हमारा ये कपड़े आपस में निकले ना। नॉर्मली ये पत्तियाँ नेट के कपड़े की बनती हैं, तो आज मैंने आपको इसको टिश्यू क्लॉथ की भी बनाना बताई है। मार्केट में फ्लावर नेट के कपड़े का ही मिलता है। इसे हम यहाँ पे गांठ लगा देते हैं। इस तरह जो धागे हमारे टिश्यू क्लॉथ के निकलते रहते हैं, इसलिए हमने सभी को काट देते हैं। अब यहाँ पे हम ग्लू गन की हेल्प से एक हाफ पर्ल या राउंड स्टोन कोई भी कुछ भी लगा सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हो। पहले हम अपना अपने नेट लेते हैं। वापस अपनी डोरी लेते हैं, उसी तरह से कोने पे लगाते हैं। जैसे हमने अपने पहले वीडियो में बनाए थे, उसी तरह इसको बनाते हैं। जैसे हमने टिश्यू रिबन वाली बनाई थी, उसी तरह इसको बना। इससे हमारी एक पत्ती बन गई। अब हम पांचों अलग अलग पत्तियां बनाते हैं। पहले वाले फ्लावर हमने एक साथ बनाई थी, अब हम पांचों अलग अलग बनाएंगे। इसलिए मैंने ये पहली पत्ती बना ली है। चार पत्तियां और बना लेती हूँ। अब मैंने पांचों पत्तियां बना ली हैं, इन पांचों पत्तियों को मैं एक साथ जोड़ देती हूँ। आपको जैसे अच्छा लगे अलग अलग करके बना लें, चाहे एक साथ बना लें, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे हम इस फूल को बना लेते हैं। इस तरह हमारे दोनों फ्लावर कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे मार्केट के फ्लावर में इस तरह का स्टोन आता है, हम चाहें तो स्टोन लगा सकते हैं या फिर हम इस तरह का हाफ पर्ल भी लगा सकते हैं। ये हम फेविकोल से लगा सकते हैं या फेविबोन से लगा सकते हैं अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो। यहाँ मैं आपको फेविबोन से लगा के दिखा देती हूँ। तो मैं हाफ पर्ल लगा रही हूँ।
इसमें ये लगा देते हैं और इसको थोड़ी देर हम किसी चीज़ के नीचे हल्का सा दबा देते हैं जिससे ये सूख जाती है। इसी तरह दूसरे पर भी लगा देती हूँ मैं। इस तरह हमारे मार्केट के जैसे फ्लावर हमने घर पे बना लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।